अब आपके भी फादर ने किसी ने कहीं से पैसे लेके कहीं कोचिंग्स में डाला होगा या कहीं और जगह डाला होगा या कहीं हॉस्टल में डाला होगा, तो उसको माइंड में रखना वो एक अच्छा मोटिवेशन है अपने मम्मी पापा के बारे में। चैलेंजेस ये थे कि यार एक होता है ना कि ये जो मेरे लायक नहीं है, और एक होता है क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो एक वो एटीट्यूड मैटर करता है कि यार मैं क्या इतना नीचे हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरा खुद लास्ट अटैम्प्ट था एनडीए, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट ही करनी होती, फिर सीडीएसई बस था, वो लास्ट अटैम्प्ट था। लास्ट अटैम्प्ट में कॉलेज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया कि घर वालों ने बोला कॉलेज क्यों छोड़ दिया, कॉलेज तो कंटिन्यू रखते, थर्ड सेमेस्टर चल रहा था, एग्ज़ाम नहीं दिए मैंने उसके थर्ड सेमेस्टर के। The President's gold medal is awarded to Battalion Cadet Captain Gaurav Yadav, Juliet Squadron. जय हिंद एवरीवन, आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सक्सेस स्टोरी आज आपके सामने है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने है वो आप सभी लोग जानते हैं। अगर आपका सपना एनडीए ज्वाइन करने का है, आपका सपना डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर सर्व करने का है, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं गौरव में आपका। और अभी गौरव ने हाल ही में एनडीए 143 कोर्स के तहत अपना पूरा कोर्स वहाँ से कम्प्लीट किया है, और कोर्स ही कम्प्लीट नहीं किया है, वहाँ के ये कैडेट कैप भी थे और साथ में इनको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा भी गया है। आप सबने ये स्टोरी बहुत बखूबी देख रखी होगी, और आपके भी ऐसे सपने होंगे कि हम डिफेंस फोर्सेज में जाएं और ऐसे मुकाम हासिल करें। एनडीए में सिलेक्शन तो बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए, सिलेक्शन के बाद भी वहां पर नंबर वन साबित होना, अव्वल साबित होना, ये कितना डेडिकेशन होगा, क्या इनका बैकग्राउंड रहा होगा, इतनी तैयारी कैसे करी होगी, आप सभी उत्सुक जरूर होंगे इनसे जानने के लिए। तो गौरव, हजारों बच्चे आज हमें देखेंगे और आपको सच में पहले से ही प्रेरणा सोट मारते हैं, जिस तरीके से हमने भी आपकी वीडियोस देखी हैं, वो जो फील होता है जो बच्चा डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहता है वो एक अलग सी चीज़ होती है, वो बयां नहीं की जा सकती है शब्दों में। तो वॉरियर्स परिवार की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका, और ज़रूर ये सारे बच्चे जानना चाहते होंगे कि आपका बेसिक एजुकेशन कैसा रहा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपने किस तरीके से पढ़ाई करी कि आपका सिलेक्शन एनडीए में हुआ, प्लीज थोड़ा सा बच्चों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉरियर डिफेंस एकेडमी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक जरिया दिया था कि जो एनडीए एस्पिरेंट्स या एसएसबी एस्पिरेंट्स जो भी हैं डिफेंस के, एक मीडियम दिया मुझे ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और ताकि मैंने क्या फेस किए चैलेंजेस और मेरी जर्नी क्या रही, तो उसके माध्यम WDA के माध्यम से मैं अपनी जो भी जर्नी उसको एक्सप्रेस कर पाऊं एनडीए डिफेंस एस्पिरेंट्स के सामने। तो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा वॉरियर डिफेंस अकेडमी को, और अपनी जर्नी के बारे में इतना ही बताऊंगा कि ये नहीं मैटर करता कि तुम किस स्टेज पे हो, तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो या मिडिल क्लास से, या बिजनेसमैन की फैमिली से बिलोंग करते हो, या फादर ऑलरेडी ऑफिसर्स है, या कोई बड़ी पोजीशन पे है, ये मैटर कुछ नहीं करता। आपकी क्वालिटी मैटर करती है, और SSB में वही देखा जाता है कि ना क्वान्टिटी नहीं चाहिए उन्हें क्वालिटी चाहिए। अगर 1000 बंदों में क्वालिटी होगी तो 1000 को लेंगे, अगर एक में भी नहीं होगी तो एक को भी नहीं लेंगे। स्टिल 10,000 वैकेंट ऑफिसर्स की कमी है अभी डिफेंस में, बट
एस्पिरेंट्स बहुत हैं पर लेते नहीं, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है और क्वालिटी वहीं से आएगी जब आप अपने बेस रूट को पहचानोगे कि मेरे अंदर कितना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, कि मेरी क्या हैसियत है जो एक हम लेमन लैंग्वेज में बोल दें, और मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं कितना कैपेबल हूँ कि मैं इतना कर सकता हूँ। अगर ये पता है बच्चे को, एक डिफेंस एस्पिरेंट को एक पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है और मुझे सही गाइड करने वाला बंदा कौन है इस दुनिया में, कि मुझे कोई गलत डाइवर्ट कर रहा है या मुझे सही गाइडेंस कौन कर रहा है, अगर इतना पता है तो डिफेंस एस्पिरेंट आराम से SSB क्वालिफाई कर सकता है। और ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट उसको कंसिस्टेंट रखेगा तो हो जाएगा उसका सिलेक्शन फाइनल। तो गौरव ने बताया कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, फिर भी ये बच्चे ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि जो आपका बोर्ड का माध्यम था वो किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है, मीडियम क्या था, हिंदी था या इंग्लिश था, और फादर का ऑक्यूपेशन क्या था, क्योंकि मैटर करता है। कई बार बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, उनके दिमाग में आता है यार मैं इस बैकग्राउंड का हूँ तो शायद मैं ये चीज़ ना कर पाऊँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो शायद ना कर पाऊँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं तो शायद ना कर पाऊँ। तो ये चीज़ उन सभी बच्चों को हेल्प करेगी जिस कंडीशन से आप गुजर के इतने बड़े लेवल पर पहुँचे हैं, तो ये ज़रूर उनको इंस्पायर करेगी और अपने काम को करने के लिए सक्षम बनाएगी। नहीं भाई, आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सर बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। फैमिली फादर फार्मर थे तो एक बड़े भाई थे, बहन भी थी और मैं भी था। तो एक APJ अब्दुल कलाम की कई भी बात मुझे याद आती कि फर्स्ट स्टार्ट ड्रीमिंग, फिर ड्रीम को थॉट में बदलो और फिर एक्शंस को। जैसे आपने बताया कि मैंने भी एक ड्रीम देखा था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, अच्छा फ्यूचर दूँ, फिर आपने सोचा कि हाँ एक कोचिंग के माध्यम से कर सकता हूँ, फिर आपने सोचा कि हाँ उसको एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं जो आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वही मेरे फादर ने देखा एक ड्रीम कि हाँ यार मेरे बच्चे क्यों ना बने फार्मर, मैं फार्मर हूँ पर बच्चे ये ना कि फार्मर बने, बच्चे और अच्छा करें। तो उन्होंने फिर सोचा कि कहाँ पढ़ाना चाहिए, तो फिर मुझे उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया केरला पब्लिक स्कूल में। और फैमिली ज़्यादा वेल फाइनेंशियली अच्छी नहीं थी ज़्यादा कुछ, बट हाँ फादर ने सोचा कि हाँ अच्छी लेवल पे पहुँचाना है, तो उन्होंने फिर उसको अपने एक्शंस में कन्वर्ट किया और उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाला। और मोटिवेट करते रहे, उनसे इंस्पिरेशन मिलती रही कि हाँ फादर मदर किस कंडीशंस में रह रहे हैं, कैसे मेरी फीस पे कर रहे हैं, तो वो सब माइंड में आता रहता था थ्रू आउट द। जब डाइवर्ट होता था माइंड तो वो चीज़ पहले आ जाती थी माइंड में कि नहीं यार फादर ने कुछ तो सोच के डाला है मुझे यहाँ पे। अब आपके भी फादर ने किसी ने कहीं से पैसे लेके कहीं कोचिंग्स में डाला होगा या कहीं और जगह डाला होगा या कहीं हॉस्टल में डाला होगा, तो उसको माइंड में रखना वो एक अच्छा मोटिवेशन है अपने मम्मी पापा के बारे में। और NDA का 100 rupees का फॉर्म होता है अभी भी शायद, तो NDA ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खर्च करना पड़ेगा, तुम नॉर्मल रहोगे, नेचुरल रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे अपने रूट से, अपने जुड़े रहोगे अपने उससे, और उसी को एक मॉडिफाइड वे में रखोगे। जैसे कोचिंग बताती है कि मॉडिफाइड वे मतलब कि आपको एक ऐसे बंदा बनना है जो एक डिफेंस एस्पिरेंट चाहिए ऐसा, ठीक। तो कोचिंग आपको चेंज नहीं कर सकती, वो आपको मॉडिफाई कर सकती है, और चेंज आप नेचुरल जो आपके अंदर है वो है, बस कोचिंग एक मॉडिफाई करने का जरिया है। आपको एक क्वेश्चन आता है, आंसर उसका आता है सही, बट कोचिंग एक जरिया है जो आपको और शॉर्टकट टाइम लेस टाइम में अच्छा बता देगा। तो मेरे फादर ने भी ऐसे ही सोचा किसी टाइम, और शायद आज उनके ही सोचने से उन्होंने ना पैसे को देखते हुए कि कितने खर्चा हो रहा है, ना ये गलत लाइन में नहीं चल जाए, दूर रह रहा है मुझसे, इतनी दूर रह रहा है, दूसरे स्टेट में जाके पढ़ रहा है, ये सोचे बगैर उनके भी माइंड में शायद आए होंगे कभी, बट उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और मुझे उनकी मेहनत पे विश्वास था कि हाँ उनकी मेहनत आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया मुझे कहीं पे। बहुत बढ़िया कहा गौरव ने कि हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा टॉप लेवल पर जाए, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि जो आज मैं किसी कारण काम कर रहा हूँ मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा मुझसे बेहतर हो, तभी माँ बाप को सेटिस्फैक्शन मिलता है। बहुत अच्छी बात बताई कि वो जो एक सपना होता है एक पेरेंट्स का, और उसके लिए पेरेंट्स कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और सभी के लिए आपके भी पेरेंट्स यही करते होंगे। एक और सवाल यहाँ पर आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि भाई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं था बच्चे का, तो किस स्टेज पर इनके समझ में आया कि मुझे NDA की तैयारी करनी है? तो ये जरूर बच्चे जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में पहली बार ख्याल कब आया कि आप NDA गए और NDA के टॉपर बन गए वहां जाकर। फर्स्ट की 8 तक तो सर मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि मेरे को क्या, 8 तक तो कभी डॉक्टर कभी इंजीनियर कभी किसी डिपार्टमेंट में कभी IAS। 9th में देखा कि हाँ यार एक ये भी एंट्री है, इज्जत है जिसमें रेस्पेक्ट है आपकी,
और फेयर एक फेयर सिलेक्शन है ऑल इंडिया से, ना कि सीट कोटा है कि आप ओबीसी से आप ये हैं एससी से, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्वालिटी ही देखी जा रही है वहाँ पे, ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं है कि उसकी कट ऑफ मार्क्स इतना है उसका इतना है। तो एक ऐसा वही चाहिए था कि जहाँ पे हाँ ऑल इंडिया कंपटीशन हो और सेम लेवल पे ही जज हो हर बंदा इक्वली, कि हाँ इसमें भी वही कैपेबिलिटी है इसमें भी। तो इतना सोचा कि हाँ एक ऑफिसर सिलेक्शन ऐसा है, और ट्वेल्थ के बाद ही दिस इज़ द ओनली वे कि आप फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। अदरवाइज आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करो आप, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी फिर आप उसके बाद गेजेटेड ऑफिसर बन। तो एक ट्वेल्थ के बाद जस्ट आपको ग्रेजुएशन भी प्रोवाइड की जा रही है एनडीए के थ्रू, और आप फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर भी बन रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हर बंदा इज्जत करेगा। आप एनडीए की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मैं नहीं चाहता कि किसी का सिलेक्शन ना हो, अगर आपका होगा भी नहीं और आप पर इतना श्योर है कि आप उस डिसिप्लिन लाइफ जीने लग जाएंगे, जैसे ही आपने सोच लिया कि मेरे को एनडीए करना है। और मैं हमेशा बोलता कि जैसे आपसे भी पूछूंगा सेम ही, कि आप प्रैक्टिस पे बिलीव करते हो सर या माइंडसेट पे? मेरा मानना है कि माइंडसेट है जी। अगर आपका माइंडसेट ये है कि हाँ मुझे एनडीए करना है, तो आप 10 घंटे मैथ पढ़ोगे और आपको फील भी नहीं होगा कि मैंने 10 घंटे मैथ पढ़ ली। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट है वो, आपको हार्डवर्क और प्रैक्टिस कुछ लगेगा नहीं। आपने माइंडसेट बना लिया मुझे 3 घंटा अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो हार्डवर्क या प्रैक्टिस नहीं है, आप ऑटोमेटिकली करेंगे वो तो एक्शन। आपने एक अपने माइंड को थॉट दे दे कि हाँ माइंडसेट क्या है मेरा, मेरा माइंडसेट है कि हाँ एनडीए या फिजिक्स पढ़ना है या मैथ पढ़ना है या मेरे को एनडीए रिटर्न या मेरे को एसएसबी करना, माइंडसेट हो गया। आप ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज गेन करना शुरू करेंगे, टीचरों से पूछना शुरू करेंगे। बस आपका माइंडसेट जरूरी है कि अगर मेरे को एनडीए जाना है किस कोचिंग से करना है, कहाँ बेस्ट एजुकेशन मिली है। मैंने जैसे आपके नोट्स देखे जो मैंने पढ़े थे किसी टाइम, उससे अपडेटेड है। आपने प्रीवियस ईयर्स के भी डाले हुए, मेरे टाइम इतना नहीं था बट आपने डाले हुए प्रीवियस ईयर्स के और अपडेटेड भी डाले हुए। मैं अपने टाइम में अपडेटेड प्रीवियस ईयर जो मेरे सीनियर्स देखे आते थे उनसे लेता था क्वेश्चन पेपर। आजकल कोचिंग इतनी एडवांस हो गई कि वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करनी है, बस आपका फोकस रहना, आपका माइंडसेट अगर वहीं पे है तो आपको स्टफ़ पूरा मिल रहा है इस एजुकेशन का यहाँ से। तो अगर आप उससे माइंडसेट बना रहा, आप घर जाके भी 4-4 घंटे पढ़ लेंगे, आप सब कुछ करेंगे और आपको फील भी नहीं होगा कि हाँ मैं यार इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं रहा, आपको फील नहीं होगा। आपको ऑटोमेटिकली अपना माइंड चलने लगेगा कि हाँ मेरे को ये करना है। बहुत सही बात बोली, हर आदमी चाहता है भाई बड़ी नौकरी पाना। जैसे इन्होंने कहा कि भाई कभी आईएएस का सपना था, कभी ये था, कभी वो था, लेकिन नौकरी के साथ साथ जो एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है, वो किसी शायद दूसरी नौकरी में ना हो डिफेंस फोर्सेस को छोड़कर। जो ऑनेस्टी होती है यार, जो हर एक व्यक्ति आपकी वर्दी को देख कर आपका जात धर्म बिना पूछे आपको सलूट मार देता है, वो सिर्फ उस यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट होती है। तो वही सपना था इनका, और उस सपने को इन्होंने बनाया, आपके सामने शेयर किया और एक गाइडेंस को फॉलो किया और अपने सक्सेस को अचीव किया। और अचीव नहीं किया आपके सामने यार कोई एनडीए हो तो बहुत बड़ी बात है, एनडीए में जाना ही बहुत बड़ी बात है। और एनडीए का टॉपर होना सोचिए, मतलब बड़ों में बहुत बड़ा बनना, आप जानते हो कितना डेडिकेशन चाहिए होगा। तो ये जरूर अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या इन्होंने सोचा और फॉर्म भरा और हो गए, या इन्होंने ट्राई किया और फेलियर्स भी मिले? अगर फेलियर्स मिले तो इन्होंने कैसे टैकल किया, या फेलियर्स नहीं मिले तो ये जरूर गौरव बच्चे जानना चाह रहे होंगे। कई बार बच्चा सोचता है यार 3 महीने की तैयारी करूं ऑफिसर बन जाऊं, नहीं होता है, फिर बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, फिर रास्ता चेंज कर देता है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने पहली बार एग्जाम दिया? फेलियर जो वर्ड था, मैं उसको अगर कहूं तो एक या तो ईगो पे ले लेता था फेलियर वर्ड को, या फिर मोटिवेशन लर्निंग एक्सपीरियंस ले लेता था। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एटलीस्ट 5 SSB दिए थे और 2 में गया नहीं था देने। तो 5 में से फर्स्ट 3 कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। TS एक 2 TS एंट्री थी, एक नेवी बीटेक एंट्री था, और फर्स्ट 3 में स्क्रीन आउट। फिर मैंने NDA का रिटर्न क्वालिफाई किया तो उसमें कॉन्फ्रेंस आउट। चैलेंजेस ये थे कि यार एक होता है ना कि ये जो मेरे लायक नहीं है, और एक होता है क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो एक वो एटीट्यूड मैटर करता है कि यार मैं क्या इतना नीचे हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इतना वो कैसे। और ये मेरे से जो बच्चे फिजिकली ज़्यादा फिट नहीं है या एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है, वो क्वालिफाई करके ज्वाइन करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये फील होता था। फिर रियलाइज़ करना शुरू किया कि नहीं यार उनको नहीं चाहिए, उनको आईटीएंस नहीं चाहिए, उनको साइंटिस्ट नहीं बनाने कि आप एकेडमिक्स में अच्छा करो, या उनको एथलीट्स नहीं चाहिए, उनको बैलेंस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप अपने
आप अपने आप को क्या समझते हो और क्या जानते हो? आपके जो आप इंटरव्यू में लिखते हो SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन, वो मैटर करता है कि उनको उनसे पता चलता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या खामियां हैं, आपकी क्या गलतियां हैं। और जो फेलियर्स हुए, जो मेरी लाइफ में फेलियर्स हैं, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस थे। जैसे मैं स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस तो रिलेटिव से कॉल्स आते थे कि चलो उनके पॉजिटिव में, तो ऐसे लगता था कि यार ये इनको ये बोलते थे, हम तो कह ही रहे थे कि नहीं होगा इसका, या कुछ और करा दो इसको। लाइक वन ऑफ माई रिलेटिव सजेस्टेड माई फादर की डिफेंस में मत भेजो इसको, कुछ IIT या नीट वगैरह कराओ, बायो दिला दो। किसी अंकल ने सजेस्ट किया बायो दिला दो इसको, पापा भी बोले बायो ले ले, मैथ ले। तो बाकी मेरा ये था कि हाँ मुझे NDA जाना तो मैं मैथ ही लूँगा, मैं बायो क्यों पढ़ूँ? कई बच्चे एडिशनल ले लेते हैं बायो, मुझे NDA जाना तो मैं क्यों पढ़ूँ बायो, मैं मैथ ही पढ़ूँ? मुझे NDA जाना तो मैं IIT एडवांस क्यों एग्ज़ाम दूँ, मैं क्यों दूँ? मैं बस IIT मेंस दिया, मेरी नॉलेज चेक हो गई, ठीक है, एक अच्छी रिस्पेक्ट मिल गई, थोड़ा पूछा लोगों ने कि IIT मेंस हो गया, चलो अच्छी बात है। बट फोकस वो, चाहे उसमें लास्ट कितने भी फेलियर, मेरा खुद लास्ट अटैम्प्ट था NDA, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट ही करनी होती, फिर CDS ही बचता, वो लास्ट अटैम्प्ट था। लास्ट अटैम्प्ट में कॉलेज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कि घर वालों ने बोला कॉलेज क्यों छोड़ दिया, कॉलेज तो कंटिन्यू रखते, थर्ड सेमेस्टर चल रहा था, एग्ज़ाम नहीं दिए मैंने उसके थर्ड सेमेस्टर के, कि अब होगा तो फिर SSB क्वालिफाई हो तो मेरिट मेडिकल में पॉइंट बन गया, मेडिकल क्लियर हो तो मेरिट लिस्ट में 350 के पीछे रैंक थी। तब भी घर वालों ने डाउट किया कि दिसंबर में एग्ज़ाम तो देखे आ जा, क्या पता ना आए को लेटर। बट मुझे विश्वास था मेहनत पे। जितने भी फेलियर्स हुए मेरी लाइफ में वो एक एक्सपीरियंस थे। तो ये चैलेंजेस कंटिन्यूस लाइफ में चलते रहेंगे, बट आपका माइंडसेट एक बार बन गया कि हाँ मेरा ये फाइनल एम है, मेरा यही करना है, आपको कोचिंग्स मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, बट आप अपना माइंडसेट दिखाओ एटलीस्ट। तो आपके अगर 100 फेलियर्स होंगे तो, बट जो बंदा हेल्प करना चाहता है आपकी लाइफ में पर्सन, वो आपके 100 फेलियर्स के बाद भी आपकी मदद करेगा और आपको गाइडेंस देगा कि आप नहीं बेटा और करो मेहनत, अभी ये करो वो करो, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेगा, बट वो बंदा कभी साथ नहीं छोड़ेगा जो आपको हमेशा हेल्प करता है या हर जगह सजेस्ट करता है। अभी हमारी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने ये भी कहा सर मेरा एक बार रिटर्न भी नहीं निकला था, है ना, फर्स्ट टाइम। क्या कारण रह गया था जो पहली बार में आपका रिटर्न पेपर ही नहीं निकला था? मैंने 12th की थी तो NDA का एग्ज़ाम दिया और IIT मेंस भी दिया, तो IIT टफ था, और IIT मेंस हो गया, NDA रिटर्न क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ मुझे? यार ये कैसे हो सकता है, NDA हो जाता IIT नहीं होता तो लगता कि चलो ठीक है, बट NDA नहीं हुआ। फिर मैंने रियलाइज़ शुरू किया कि यार गलती कहाँ पे हो रही, फिर पता चला कि ओवर अटेम्प्टिंग, नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करके जाएंगे एटलीस्ट 10-12 ईयर्स, तो उसमें से ही मैक्सिमम मटेरियल एग्जाम रिटर्न में आ जाता है, बस आपको उन्हीं के उसी से लिमिटेड रहना, ये नहीं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और फिर बोलोगे कि सर मैंने 75 किए या 80 किए और मेरा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव मार्क्स इतने दे दिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है उसकी, तो आप इतना नेगेटिव आप सोचोगे कि नहीं यार 10 तुक्के मार देता हूँ, 10 में से 2 तो ठीक ही होंगे, नहीं होता ऐसे। आजकल वो सिस्टम नहीं है, आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल गए, इसलिए कोचिंग्स में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो उस टाइम NDA क्वालिफाई नहीं हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं, गाइडेंस की ज़रूरत है अभी, ये नहीं कि खुद से नहीं होगा, ये नहीं कि खुद से नहीं होगा, बट हाँ खुद भी करना है और या किसी की मदद से करना है। तो जो भी टीचर थे, कोचिंग थी, उनकी मदद से फिर मैंने फर्स्ट रिटर्न क्वालिफाई किया, और कोचिंग से मुझे एडवांटेज ये मिली कि स्कोर अच्छा हुआ मेरा, ये नहीं कि जस्ट पासिंग मार्क्स गया, कोचिंग से स्कोर भी अच्छा हुआ रिटर्न में, ताकि SSB के लिए और कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अगर मैं SSB अच्छे से करूँगा तो फिर फाइनल मेरिट में भी अच्छी पोजिशन पर आऊँगा। तो कोचिंग, फिर जब कोचिंग ली तो अगले 2 कंसेक्यूटिव 142 और 143 रिटर्न्स भी मेरे क्वालिफाई हुए थे, एक में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, फाइनल में रिकमेंड हुआ था। बिल्कुल सही बताया गौरव ने कि पहले फेलियर्स मिले, उसके बाद रिटर्न के बाद SSB में फेलियर्स मिले। आप अपने आप को सोचिए एक बार कि जब आप एक बार कहीं फेल हो जाते हैं तो माइंड में कितना नेगेटिविटी आता है, कितना डेडिकेशन रहा होगा कितना डेडिकेशन रहा होगा अपने एम के प्रति कि नहीं भाई फेलियर्स मिल रहे हैं तो इसे सीखना है, और उससे सीख सीख करके फाइनल NDA में रिकमेंडेशन लेना और फिर NDA का टॉपर बन जाना। तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, लेकिन वो सवाल मैं अभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो आपके अंदर भी मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई NDA में गए तो वहाँ क्या हुआ और कैसे वहाँ NDA के फिर कैडेट कैप्टन बने, फिर कैसे इनको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला,
ये सब आप पहले देख लो कि जब कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, स्किन आउट हो रहे हैं, रिटर्न फेल हो रहे हैं, तो मोटिवेशन कैसा रहा होगा और इन्होंने प्लानिंग कैसा करा होगा। और वैसा ही फिर जब एनडीए में गए होंगे तो वहाँ पर कितना ज़्यादा रगड़ा मिलता है, अलग अलग तरीके की ड्रिल होती है, पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है। और सोचिए वहाँ टॉपर्स होते हैं हर एक फील्ड के, हर एक फील्ड का मतलब ये है कि फिजिकल में भी आप ठीक हो, पढ़ने में भी ठीक हो, आपका आईक्यू लेवल का सेंस भी अच्छा है, और उसमें अच्छा होना तब जाके आप एनडीए टॉपर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था गौरव के अंदर। और जो इन्होंने कहा गाइडेंस की बात, गाइडेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि गाइडेंस एक कोचिंग सेंटर से ही मिले, वो आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपने हो सकता है 12वीं क्लास में किसी टीचर से पढ़ाई करी, वही आपको गाइड कर दे। गाइडेंस की आज के ज़माने में ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि एक फाइनल अप्रोच हमारा जो जा रहा है वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई गाइडेंस देने वाला बस इतना ही बताता है भाई ये नहीं करना है, जो गलतियां होती हैं उससे आपको बचा देता है और आप फिर अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाते हैं। तो वो वाला बीच वाला पार्ट हम स्किप करेंगे क्योंकि वो मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि मैं एनडीए जाऊंगा, फिर वहां की लाइफ देखूंगा, फिर मैं कैसे कैप्टन बनूंगा, वो सब बात अलग की है। अभी आपका पेपर आ रहा है भाई, 16 अप्रैल को एनडीए का पेपर है, आप सभी जानते हो। और गौरव से बेहतर आपको इस समय कौन गाइड कर सकता है कि भाई आपको क्या करना है। तो गौरव मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी एनडीए के एस्पिरेंट हैं अभी वीडियो वॉच कर रहे हैं और ये जा रहे हैं 16 अप्रैल, लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा का समय भी हमारे पास है। 16 अप्रैल का मतलब 2.5 महीने से, हाँ 2.5 महीने से ज़्यादा का समय हमारे पास है। तो क्या इनको टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आपके फेलियर्स भी थे, उस पर काम किया फिर आप सक्सेस हुए, तो इनको ज़्यादा फेलियर्स का सामना ना करना पड़े, वो क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे 16 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो उससे पहले मैथ का जीएटी का अपना सिलेबस देखो, ठीक है, तो उसको सिलेबस को पहले वीक में डिवाइड करो कि मुझे इस हफ्ते सैटरडे तक मैथ के 4 चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर करने हैं या ये टॉपिक्स करने हैं। फिर एम करो कि जैसे अप्रैल शुरू हो रहा है तो मार्च 30 तक मैं अपना सारा एनडीए जीएटी और वो जीएटी जो भी कोचिंग ने दिया या एनडीए का जो भी पढ़ाया है सब कंप्लीट करके अपने प्रैक्टिस 31 मार्च तक अपना कंप्लीट कर लूँगा। अब बचे एग्ज़ाम के लिए 15 डेज, तो 15 डेज में वो पूरा रिवीजन। कई बार क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली 7 दिन तक मैथ ही पढ़ते रहते हैं, फिर रियलाइज होता है कि यार जीएटी तो कवर ही नहीं हो पा रहा हमारा, ठीक है। आप मैथ को टाइम दिए और जीएटी के हर सब्जेक्ट को उतना टाइम दीजिए, ठीक है। और अगर आपका एम रहा कि 31 तक आपने रिटर्न पूरा वेल प्रिपेयर कोचिंग, हाँ जैसे एम है कोचिंग का सिलेबस फॉर एग्जांपल 28 फेब को ख़त्म हो गया या मार्च के फर्स्ट वीक तक ख़त्म हो गया, फिर 25 दिन बचे आपके पास, उसमें आप अपना जो खुद का है वो प्रिपरेशन किए जो सिलेबस का कि मेरे ये डाउट्स थे ये कवर किए। 31 तक आप ऐसे हो जाने चाहिए 31 मार्च के बाद अब मेरा एग्ज़ाम कभी भी ले लो। और बचे 15 डेज 16 अप्रैल से पहले, उसमें आपका एम होना चाहिए कि अब मैं हर चीज़ का मैथ को 2 घंटे 3-4 घंटे जीएटी के 1-1 घंटे हर जीएटी के सब्जेक्ट को, इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा, फिजिक्स को थोड़ा, केमिस्ट्री को थोड़ा, साइंस को थोड़ा, सोशल थोड़ा, वो जो करंट अफेयर देखूंगा। तो ऐसे 15 डेज आप कंटिन्यू करते रहेंगे और उससे पहले आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। कोचिंग का शेड्यूल और आपका शेड्यूल दोनों पैरेलल चलने चाहिए। और कोचिंग का जैसे सिलेबस ख़त्म हो रहा है फेब में तो आपका उससे 15 डेज कि हाँ इसके बाद, जैसे मैं 12th में भी अपनी स्टडीज़ करता था तो जैसे स्कूल का सिलेबस दिसंबर में ख़त्म होता था जनरली सीबीएसई स्कूल्स का, और मेरा एम था कि 30 मार्च 15 जनवरी तक अपना खुद का 3 बार रिवीजन या 2 बार रिवीजन ख़त्म करके फिर मैं मॉक टेस्ट देखूंगा, ठीक है। तो आपका भी एम होना चाहिए मिड मार्च तक या मार्च के एंड तक आप खुद का भी सिलेबस कोचिंग का और जो भी कोचिंग का मटेरियल है पूरा आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके रेडी रहे, ताकि आप नेक्स्ट 15 डेज बस सिर्फ रिवीजन करें उन चीज़ का कंटिन्यू, ठीक है। आपको अलग से कोचिंग का मटेरियल या कहीं से प्रेफर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप यहाँ पे कर रहे हो सिर्फ एनसीईआरटी ईमेल तो आप एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। और आप अगर एनडी की प्रिपरेशन को दिन में 10 घंटे भी दे रहे हैं मोर देन इनफ, कोचिंग 6 घंटे 4 घंटे आप अपने आप को दिए, कोचिंग का सिलेबस और आपका सिलेबस वही अगर साथ साथ चल रहा है, यानी कि सिर्फ कोचिंग का सिलेबस हो रहा है, आज कोचिंग ने ये 1 चैप्टर पढ़ा दिया, कल उन्हीं नोट्स के साथ अगर आप आ गए तो आप ना गेन कर रहे हैं ना जीरो पे, आप नेगेटिव गए बिल्कुल, क्योंकि टीचर नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर्ड होता है, कुछ क्वेश्चंस कराएगा
कुछ नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ाएगा, पर आपको खुद के ही प्रिपेयर नहीं है। आप जो कोचिंग में पढ़ाए उस नोट को एक बार रिवाइज करो और फिर उस पर एटलीस्ट उसी टॉपिक्स पे जो जो आज पढ़ाए उस पर एटलीस्ट 30 to 35 एक टॉपिक्स पे आप जाके क्वेश्चंस करो, जो सोल्ड करो, फिर सोल्ड जो है उनको आंसर्स देखो और फिर अनसोल्ड उनको तैयार करो। और मार्च तक अगर आपने अभी 2 महीने तो बहुत होते हैं, फेब एंड मार्च, अब फेब में भी प्रिपरेशन शुरू करोगे आप देखना अपने आपके जो और भी काउंटर पार्ट्स होंगे आपके कोर्समेट्स होंगे कोई मार्च में पढ़ना शुरू करेगा वो रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट और उसकी वेल प्रिपेयर्डनेस, उसका शेड्यूल पूरे दिन का कि मुझे 4 घंटे मैथ के दिए, 2 घंटे 4 घंटे जीएटी को दिए और कोचिंग्स के नोट्स पढ़े मैंने और एनसीईआरटी और प्रैक्टिस ज़्यादा की है और मैं फोकस रहा हूँ पूरे अपने थ्रू, तो विद इन 1.5 मंथ्स भी रिटर्न निकाल लेगा। और अभी बेस्ट एडवांस है एट मैक्स 2 महीने से ऊपर ही टाइम बचा हुआ है आपके पास, 2 या 3 महीने से ऊपर ही टाइम है, 3 महीने से 3 महीने बहुत होते हैं। आप अगर डेली दिन के कंटिन्यू आज से ही आपने अगर नेक्स्ट मंडे से भी आप अपना शेड्यूल बना देते हैं कि इस हफ्ते मैं इतना मेरे को सिलेबस कवर करना है एनडीए के ये टॉपिक्स ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूँगा, तो फिर आपके वो कंसिस्टेंसी बनती जाएगी एंड तक और आप रिटर्न देके आएंगे, रिटर्न में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ यार ये था, आप आंसर की मैच करेंगे आखिर आपका स्कोर अच्छा आपको 400 अबव प्लस मिलेगा अगर आप ये माइंडसेट के साथ करते हैं कि हाँ एग्जाम से 15 डेज पहले मुझे अपना खुद का सिलेबस तैयार करना है और उस इतने दिन है मेरे पास 2.5 महीने उसको मैं वीक्स में कैसे डिवाइड करूँ उस सिलेबस को, तो ये माइंडसेट होना चाहिए। तो गौरव ने आप लोगों को बताया कि सक्सेस तभी मिलती है जब आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा करें और कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके कन्फ्यूजन यही दूर हो जाए, नेगेटिव मार्किंग से आप पेपर में बच जाए। हालांकि अपने इंस्टीट्यूट वाले जो बच्चे हैं वो सभी जानते हैं कि लगभग 80% कोर्स हो चुका है आप सभी का और जनवरी में ही लगभग कोर्स खत्म हो जाएगा, फरवरी और मार्च हमारे लिए सिर्फ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के लिए बचेगा और अप्रैल आते आते आप अपने आप को बेहतर जगह पर देखेंगे कि भाई मेरा तो इस बार एनडीए निकल जाएगा। तो बहुत ढेर सारी शुभकामना गौरव आपको और आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हम लोग तो बिल्कुल श्योर है कि जब आप जब आदमी फेलियर देखता है और फिर उसको सक्सेस मिलती है तो कभी अपनी कोर वैल्यू को नहीं तोड़ता है और आप इसको कंटिन्यू रखेंगे और भारतीय सेना में आप बहुत बड़े अफसर के तौर पर आगे जाने जा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा युवाओं के मोटिवेशन के सोर्स हैं आप। कुछ और अगर टिप्स देना चाहते हैं, बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा क्योंकि आप इनके रियल हीरो हैं और आप इनके क्या आप पूरे देश के जो होते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेज में जो भी है वो हमारे देश के रियल हीरो ही होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी कुछ बातें जो आपके दिमाग में हैं कहना चाहते हैं बच्चों से तो आप ज़रूर कहें। ज़्यादा कुछ नहीं, बस लास्ट ही पहले ये रियलाइज़ करो कि मुझे जाना क्यों है, फिर अपने आप आपके आंसर इस क्वेश्चन का अगर आंसर मिल गया आपको पता चल जाएगा कि प्रिपरेशन जाना क्यों है, फिर आपको तरीके पता चलेगा कि जाना कैसे है, कोचिंग्स के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, कोई सीनियर आपसे अटैच हो गया या कोई भैया ऑफिसर्स होंगे कुछ होंगे कैसे का तरीका, बस आप इतना रियलाइज़ करें कि मुझे जाना क्यों है। अगर ये रियलाइज़ कर लिया तो आपको अपने आप कैसे जाना है अपने आप आपको सोर्सेज मिलते जाएंगे और कंसिस्टेंसी बनाए, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट, आपका ये तीनों चीज़ पैरेलल चलनी चाहिए और जब तक रिटर्न क्वालिफाई नहीं होता आपको काफ़ी चीज़ें अवॉइड, सोशल मीडिया ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि आप एक बार एनडीए चले गए तो आप फिर आप ये चीज़ें उसके बाद भी कर सकते हैं जैसे घूमना दोस्तों के साथ कहीं पे ट्रिप पे जाना, ये मैं अब एनडीए जाने के बाद आराम से कर दो बट उन चीज़ों को अभी मन में रखें कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ें करनी है सिलेक्शन पर, तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा उससे। हाँ तो आपने देखा बच्चों की गौरव ने अपनी जर्नी कहाँ से शुरुआत करी, कितने फेलियर्स मिले फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हमेशा ध्यान रखिएगा इतिहास वही लिखता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, इन्होंने वही किया, सोशल मीडिया से कट होना पड़ेगा। अभी आपको लगता होगा यार मेरा व्हाट्सएप, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा, यूट्यूब पे ढेर सारा टाइम आपका चला जाता है, तो अपने जो टीचर्स के नोट्स हैं जो आपको मिले हैं उसको अच्छे से करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से करिए और फिर बार बार प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो खुद के असेसमेंट पे दीजिए कि यार मैं अभी कहाँ हूँ और अभी कहाँ जा रहा हूँ, मुझे और क्या सुधारने की ज़रूरत है। जब तक खुद में एक असेसमेंट नहीं होता है ना, कही जाती है कहावत है कि जो चीज़ कभी तौली नहीं जा सकती है वो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने आप को तौलना भी है साथ में, यार आप एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं,
रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे थे क्या उससे कुछ निगेटिविटी सही हो रही है, निगेटिव ज़्यादा हो रहे थे मार्क्स क्या कम हो रहे हैं, क्या आपके मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं नहीं है, तो अपने सीनियर से सजेशन लो, अपनी प्लानिंग में चेंजेस करो। ये नहीं कि एक तरीका उठाया और उसको करते गए और पेपर में जाके फिर फेल हो गए। खुद का असेसमेंट ज़रूर है होना, अगर ये आप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर, और बयान कॉन्फिडेंस रखिए, पेपर पास आ रहा है, डर लग रही होगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है, और डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी बेहतरीन दिशा में चलती है। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन दिशा में नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आपको डर नहीं लगेगा। तो लेकिन घबराना नहीं है उस डर से, क्योंकि 11th और 12th का ही तो है भाई, रिटन एग्जामिनेशन में क्या आता है, 11th का सिलेबस है और 12th का सिलेबस है, वो पढ़ भी चुके हो आप, तो थोड़ा सा उसको टेक्निकल वे में पढ़ना है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अभी उसको पूरा कर लेना है, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी वो चीज़ करेंगे जो आता है उनको और आखिरी में वो चीज़ उठा लेते हैं जो उनको नहीं आती थी पहले से, तो कन्फ्यूजन और कहते हैं लो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आने लगता है। तो जो चीज़ अभी आपको परेशान कर रही है, मार्क्स नहीं आ रहे उस सेक्शन में, तो पहले उस सेक्शन को बैठिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास समय है वो करने का, और बाद में फिर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच गौरव, और बहुत अच्छा लगा, हम लोग खुद इंस्पायर होते हैं आप जैसे बच्चों से मिलके, कि इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि फेलियर्स मिल रहे हैं, चाहे बैकग्राउंड का रहा हो, चाहे खुद की पढ़ाई कर रहा हो, और चाहे NDA में एक बार नहीं दो बार नहीं TS के थ्रू भी जाना और वो सफल नहीं हो पा रहा है, फिर भी हिम्मत है कि भाई मुझे NDA में जाना है तो जाना है। तो ये इंस्पिरेशन वैसे नहीं आती जब ड्रीम सच में आप देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं कि नहीं भाई मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए, मैं अगला सेमेस्टर अपना NDA में बिताऊंगा, मैं दोस्ती करूंगा तो NDA में जाके करूंगा, फिर ये सपने आपके सच होते हैं। थैंक यू सो मच, और पूरे वॉरियर्स फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।